तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह का 7 बजने वाला है और हम जग सो के उठ चुके हैं। हालांकि रात में घर नहीं गए, अभी जा रहे हैं 30 किलोमीटर खाली करने गाड़ी, और अगर टाइम से खाली कर देता तो आरा जाना है पासिंग करवाने आरटीओ। तो अभी सुबह सुबह का ये सीन है कि भाई 7 बजने वाला है, चलो चलते हैं, अभी निकलते हैं कि सुबह जाएंगे शायद खाली कर दे जल्दी। भैया गए थे, क्या करें भैया, चलो चला जाए खाली करने। तो भैया गए थे घर, नहा धो के आए, हम आएंगे भाई खाली करने के बाद, तो आराम ही करना पड़ेगा क्योंकि आजकल माल मिल नहीं रहा है। और यहाँ पे भाई सीन देख सकते हो ऐसा कुछ, इधर से भाई अपन घर चले जाते हैं। चलो अब चलते हैं सीधा। तो दोस्तों निकल पड़े हम अपने मंजिल की तरफ। मंजिल केवल 20 किलोमीटर यानी आधे घंटे, और कुछ इस तरह का यहाँ पे मौसम है। उतना ज्यादा अभी सुबह सुबह धूप नहीं पड़ रही है क्योंकि भाई 7 भी नहीं बजा अभी, और ट्रैफिक का इस रोड पे भाई ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। केवल बक्सर में आपको रात में दिखेगा और दिन में दिखेगा ही नहीं क्योंकि नो एंट्री रहता है। तो यहाँ से राइट घूमना पड़ेगा हमें बिहियाँ जाने के लिए, जहाँ पे माल खाली करना है। ये रोड को छोड़ना पड़ेगा 922 NH, जगदीशपुर वाले रोड में जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों बिहार में कुछ भी हो सकता है यार, अब जाना पड़ेगा बाईपास पूरा पार करके, उसके बाद रिटर्न आना पड़ेगा घूम के उधर से। बिहियाँ में जाने के लिए नॉट प्रोवाइडेड कर दिया है कि वन वे कर दिया होगा शायद, या उधर से आओ नहीं तो इधर से जाओ निकलो। तो दोस्तों वहाँ से ना घूम के कम से कम 3-4 किलोमीटर आगे चल के उसके बाद 4 लाइन छोड़े हैं, मतलब जैसे पार हो जाता है ना वैसे, वहाँ से जाके आगे लेफ्ट मारेंगे चौक से, फिर जाएंगे खाली करने के लिए। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे भाई खाली करना है माल। अभी पार्टी का ठीक ठिकाना नहीं है, बोलते जहाँ पे गाड़ी भाई लगा, और इस तरह से भाई गाड़ी लगाए हैं। ये है बिहियाँ का बाजार। तो दोस्तों लगभग 1 घंटे बाद ये भाई की गाड़ी खाली होना चालू हो गई है, पूरी गाड़ी का तिरपाल नहीं खोले हैं क्योंकि बोले थे भाई यहाँ पे केवल 100 कट्टा खाली करना है। दोस्तों बिहार में भाई इतना जगह और रास्ते का दिक्कत है भाई, 2 घंटा अभी जाम में फंसे थे, अभी भी गाड़ी नहीं निकल पाई है, इतना बुरी तरह से फंसे है ना भाई कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो भाई 2-3 किलोमीटर है, बाइक से रिवर्स लेके जाना पड़ेगा घुमाने के लिए, जहाँ पे खाली करने के लिए अभी लगाए थे 100 कट्टा भाई खाली करके पीछे में आगे भाई लोड दे दिया, जिसके वजह से भाई अपना बम्पर जो है एक तो डाउन है, ऊपर से भाई और ज़्यादा झुक जा रहा है आगे क्योंकि लोड हो रहा है ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा मतलब सकरा टर्निंग है, इसके वजह से भाई नहीं निकल पा रहे हैं। लगभग ये टर्निंग है भाई जब पिकअप आसानी से नहीं निकल पा रही है, जो कि भाई उधर से आते वक्त पूरा बराबर लोडिंग था, आगे कम था, इस वजह से गाड़ी घुस गई इसमें और निकल नहीं पा रही। देखो इधर जाके भाई आधे पे फंस जा रही है क्योंकि नाला है बगल में। हमें लगा था दोस्तों कि जैसे गाड़ी घुस गई है खाली करने के लिए तो भाई निकल भी जाएगी, लेकिन भाई ये मूर्खता है। मैं बोला कि ऊपर जो जितना हाइट है वो निकलवा दो, तो लेकिन पार्टी नहीं सुना, और पीछे का ही अपनी सुविधा के अनुसार लेबर को उतारना ही है, कभी भी उतारे या तो अभी उतारे या बाद में उतारे, लेकिन भाई हमारा सुना नहीं, और इसके वजह से आगे भाई इतना मोटा ब्रेकर है, ब्रेकर नहीं है, और जो ओवरब्रिज बना है उसके नीचे जो डिवाइडर है उस पर भाई बम्पर लग रहा है, और इधर साइड में नला है। हालत इतना भाई ख़राब हो चुका है बहुत तगड़ा सा, क्योंकि भाई ये मार्केट है और जाम इतना लग रहा है ना, दो पिकअप आसानी से नहीं निकाल पा रही है, बहुत मुश्किल है। दोस्तों ऐसा भाई सिचुएशन में लगभग एक बार और फंसे थे हम, 2-3 बार फंस चुके हैं बिहार में चलने में, भाई यही प्रॉब्लम है, रास्ते का बहुत तकलीफ है बहुत। और वहाँ पर भाई नाला में जाके फंस जा रही है गाड़ी, आधा पूरा टायर नाले में निकल रहा है, उसके बगल में भी नाला है, तो इस वजह से भाई लंबी गाड़ी है अपनी, तो इस वजह से नहीं निकल पा रहा है, और वहाँ पे डिवाइडर देख सकते हो जिस पे आदमी खड़े हैं। दोस्तों दोपहर का 2 बज रहा है अभी, और लगभग दोस्तों 3-4 चली खाली हो गई है, 3-4 चली और बाकी है। वहाँ से भाई गाड़ी वहीं से गाड़ी हमारी निकली, लेकिन पूरा गाड़ी आधी खाली हो गई थी, 15 टन खाली हो गया था, इसी वजह से भाई हल्की हो गई थी थोड़ी गाड़ी, इस वजह से गाड़ी निकल पाई क्योंकि पूरी आधी केवल 100 कट्टा निकला था 600 कट्टे में से,
इस वजह से गाड़ी उस टाइम पे भाई बहुत भारी भी थी और उधर कुछ गड्ढा वगैरह थोड़ा भर गया था उस टाइम पे, पत्थर वगैरह डाले थे, तो इस वजह से गाड़ी निकली बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था हमारा। और वहाँ पे अंदर भाई जो मिले स्कॉर्पियो दिख रही है, तो भाई भाई यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रक लगी हुई है, वो ब्रिज के नीचे से लेके इधर से उधर चारों तरफ खाली करवाते हैं। तो आज के बाद से मैंने डिसाइड किया दोस्तों यहाँ पे गाड़ी कभी नहीं लाएंगे, वो खास करके सुपर जो हाइट गाड़ी है वो कभी नहीं लाएंगे। तो एक चीज़ है जो बिहार में दोस्तों मात्र एक छली से दो छली और बचा है खाली करने के लिए। बगल में गाड़ी भाई चीनी लेके आई है बस्ती से। तो दोस्तों गाड़ी खाली हो चुकी है और शाम का 4:30 हो चुका है, अभी निकल चुके हैं। देखते हैं भाई टायर में कहीं बनवाएंगे जो बन सकता है, और उसके बाद दोस्तों जाएंगे आरा। कल तो पासिंग होगा गाड़ी का, RTO पासिंग, उसके पहले सर्विस करवा लेंगे गाड़ी को देख के कहीं भी। चलो चलते हैं और अभी बीवियाँ को बाय बाय करते हैं, आगे चल के रोकेंगे नहीं तो भाई देखेंगे स्नान वगैरह करने का। वहाँ से दोस्तों कुछ देर बाद जा ही रहे थे तो भाई मच्छी दी गई, तो आज भाई फाइनली घर तो जाना नहीं है तो जा रहे हैं भाई मच्छी खरीदने, उसके बाद बनाएंगे। तो दोस्तों ये रहा मच्छी भाई, मच्छी वाले भाई, भाई रेहू मछली इनके पास है नहीं, बोल रहे हैं भाई रूपचंदी मछली यहाँ पे लोग खाते हैं, तो इस वजह से भाई यही मछली बना रहे हैं। तो दोस्तों मच्छी वगैरह लेके भाई आए थे थोड़ी दूर आगे, तो टायर वाले भैया मिल गए, तो दोनों टायर खोल के हमने बनवाना चालू कर दिया। देख रहे हैं भाई अगर बन जाएगा तो बना लेंगे, नहीं तो ये जो दोस्तों टायर है इसमें भाई थोड़ा सा बराबर सीख बराबर भाई मतलब बारीक सा पंचर है। और तो दोस्तों गेटर का हाल बहुत बेकार हो चुका है यहाँ पे, एक टायर में भाई पंचर पे गाड़ी कभी मत चलाना, क्योंकि एक बार भाई ब्रस्ट हो जाता है ना बहुत नुकसान देता है, वैसे भी टायर बहुत ही खराब है, खराब कंडीशन में हो गया। का मिस्त्री जी टायर चली कि ना चली, इसको मिस्त्री जी बोल रहे हैं कि टायर पकवा देंगे तो कुछ दिन चलेगा, और वो तो भाई पंचर है, माइनर पंचर है छोटा सा, वो बनवा दे रहे हैं। फाइनली अभी 7:30 हो चुका है और भाई टायर हमारा बन चुका है, हालांकि 1 घंटा पहले टायर बना था लेकिन थक गए हैं भाई, टायर लगातार 2 दिन से भाई ऐसा हो रहा है बहुत भयंकर था, टायर से भाई बार बार ये हाथ में छाले तक पड़ गए थे, काढ़ा हो गया यहाँ पे, इस तरह से भाई पूरा हार्ड मेहनत पड़ रहा है। हालांकि दोस्तों बहुत थक गए थे इसलिए उस टाइम में वीडियो नहीं बनाए, और फाइनली मतलब टायर अभी बना लिए हैं, ये लास्ट बार से देख रहे हैं जब से भाई परसों से 3000 लगभग टायर में लगा चुके, नहीं सुधरेगा तो दोस्तों नया टायर डालेंगे। अभी हालत थोड़ी ख़राब है क्योंकि भाई पासिंग करवाने जाना है कल RTO का, और इस वजह से और इंश्योरेंस वगैरह का पेपर भी कंप्लीट करवाना है, इस वजह से भाई टायर नहीं डलवाने के लिए सोच रहे थे कि अगले महीने डलवाएंगे, लेकिन अगर नहीं मानेगा दोस्तों तो टायर डलवाना पड़ेगा ना। अभी फ़िलहाल करते हैं दोस्तों खाना बनाने का तैयारी, क्योंकि आज दिखाए हैं आपको मच्छी बना रहे हैं हम लोग, तो बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी खाना पीना बनाना चालू कर दिए हैं, इसमें चावल भाई बैठा दिए हैं, और ये रहा दोस्तों मच्छी 1/2 kg, और सब कुछ काट के रख लिए दोस्तों, खाना बनाएंगे और खाएंगे। नहाने का तो दोस्तों सोच रहे थे गाड़ी धुलाने के बाद भाई सर्विसिंग करवाएंगे कल गाड़ी को कहीं भी ढूंढ के, उसके बाद वही नहाएंगे, और उसके बाद दोस्तों कल पासिंग के लिए जाएंगे, RTO पासिंग जो गाड़ी को करना है। तो पहले दोस्तों खाना बनाते हैं आराम से, चावल बैठा दिए हैं आप लोग देख सकते हो, तो दोस्तों मछली भूजना स्टार्ट कर दिए हैं और चावल भी बन के यहाँ पर रख दिया है, तो इसको पहले भूजेंगे दोस्तों, उसके बाद ये रूपचंद मछली है। तो दोस्तों इसमें कांदा डाल दिए हैं और यहाँ पे लहसुन और भाई मिर्च का पेस्ट तैयार कर रखे हैं, और यहाँ पे मछली को भून दिए है, हरी मिर्च लाल मिर्च मच्छी पाउडर और मछली मसाला का पाउडर दोस्तों हमारे यहाँ मिलता है, और सरसों का पाउडर डाले हैं इसमें, और थोड़ा सा गरम मसाला जो अपना मटन में डालते हैं वो डाले हैं। तो इस तरह से भाई मसाला भी तैयार कर दिए हैं, अब थोड़ा भूंज के और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इस तरह से कुछ बना रहे हैं दोस्तों खाना आज। प्याज है और दोस्तों जो अपने प्याज है और मिर्च और लहसुन का पेस्ट था उसको लाल कर दिया देख सकते हो, अब इसमें जो मसाला का पेस्ट तैयार किए थे दोस्तों अपने से उसको इसमें डाल रहे हैं, इसको भी भूंजेंगे थोड़ी
लाल करेंगे इसको भी, उसके बाद दोस्तों डालेंगे अपना मच्छी इसमें। पहले इसको, पहले तो दोस्तों इसको भूजना पड़ेगा अच्छी तरीके से। आपको बताया भी था भाई, ज़्यादा नहीं कुछ खास है इस मसाले में। आपको सरसों का थोड़ा पाउडर ले लेना है और मच्छी का मसाला मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप एवरेस्ट का मटन मसाला या कोई भी कंपनी का मटन मसाला डाल सकते हो, तो उससे भी अच्छी लगती है मच्छी। बस यही तरीका है, हम लोग यही तरीका से भाई बनाते हैं, खाते हैं अपने स्टाइल में, एक ड्राइवर के स्टाइल में। तो देखिए अभी डाल दिए, अभी ये थोड़ा सा भूजेंगे इस मसाले को भी, कि मसाला पक गया कच्चा ना रहे, इस तरह से चलाते रहेंगे इसके साथ में। थोड़ा सा नमक डालने को, नमक डालने भी भुला गए थे दोस्तों, नमक भी डाल रहे हैं इसमें अपने हिसाब से भाई। आप देखिए दोस्तों ये अभी थोड़ा लाल भी हो चुका है और इसमें सतने भी लगा है कढ़ाई के अंदर, तो इसमें अपना जो थोड़ा सा बचा था मसाला बर्तन में इसको भी डाल दिए। और अब इसमें थोड़ा सा टमाटर जो है, दो टमाटर इसमें थोड़ा कूच के दोस्तों डालेंगे इसमें, कि थोड़ा ग्रेवी अच्छा बन सके इस वजह से। और उसके बाद इसको अपने हिसाब से पानी डालेंगे, अभी छोड़ देते हैं इसको पकने के लिए। और इसका कलर देख सकते हो दोस्तों, कलर अब ऑटोमेटिक आ रहा है, थोड़ा और पक जाएगा तो कलर एकदम मस्त आ जाएगा और अच्छा दिखने भी लगेगा। तो मशीन वगैरह कुछ है नहीं, तो बेलन से और इस ग्लास की सहायता से दोस्तों पूछेंगे उसको, और सिंपल सा तरीका से दोस्तों मच्छी कड़ी बनाएंगे और क्या करेंगे खाएंगे। टमाटर डालना दोस्तों ऑप्शनल है, टमाटर ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से अगर ग्रेवी चाहिए अच्छी तो आप टमाटर डाल सकते हो, नहीं तो बिना टमाटर का भी और ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। बेलन दो बेलन दोस्तों, इसका पेस्ट देख सकते हो ग्लास के अंदर, मतलब पूरा बारीक नहीं हुआ है, फिर भी दोस्तों जो कट करके डालेंगे और इसमें डालेंगे तो फर्क पड़ता है, तो इसको इसे डाल देंगे दोस्तों। और इसको देखो पूरा सच गया है, मतलब इसका रंगत जो है चेंज हो गया है। और बस इसको क्या करेंगे, अब जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आपको पानी डाल देना है। ज़्यादा पानी डालोगे तो दोस्तों आपको स्वादिष्ट उतना नहीं लगेगा, लेकिन अपने हिसाब से पानी डाल लें। हमारा दोस्तों पानी हो गया और चावल के साथ बनाना है, तो ग्रेवी दोस्तों ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अपने को ऐसा लगना चाहिए जो भी ग्रेवी है। रोटी के साथ खाना है तो थोड़ा सा ग्रेवी गाढ़ा ही रहनी चाहिए। थोड़ा सा पानी और जो इसका मसाला है और टमाटर है, इसका मतलब उबाल आने से गाढ़ापन आ जाता है इसमें और पक भी जाता है, साथ में मिक्स हो जाता है अच्छी तरह से, इस वजह से डालेंगे इसको उबाल आने के बाद, क्योंकि भाई मछली तो भून चुके हैं, उसके बाद थोड़ी सी उबाल मारेंगे फिर उतार के रख देंगे। अब तरीके से आप भी बना सकते हो। तो दोस्तों उबाल मारना चालू कर दिया है अपना और हम डाल रहे हैं मच्छी इसमें, क्योंकि और मच्छी डालने के बाद भी उबाल मार के दोस्तों इसको निकाल देंगे। तो फिर दोस्तों जब अभी आप चला सकते हो इसको, डालते ही दोस्तों आप चला सकते हो, लेकिन जब उबालने के बाद भाई आपको इसको छूना तक नहीं है जब तक भाई ये सीज ना जाए। अभी 5 से 7 मिनट तक आप छोड़ सकते हो इसको उबलने के लिए, और ढकना है भी तो ढक भी सकते हो, लेकिन हम मच्छी या चिकन बनाते दोस्तों ढकते नहीं है इसको, तो करते हैं थोड़ा 5 मिनट का वेट और लेट्स देखते हैं क्या होता है। दोस्तों एक बार रंगत चेक कर लो अपना, तो खाना भाई बन के रेडी हो गया है, मच्छी और चावल भी रेडी है बगल में, बस भूख लगी है। आप लोगों को भाई सुबह देखे होंगे कि खाना नहीं बनाया था हमने, अब उसका मतलब लिट्टी वगैरह किन के भाई खाया था हमने, हमारे गाँव पर भाई लिट्टी वगैरह सब मिल जाता है आसानी से। तो भाई आप खाना चेक कर सकते हो, मच्छी जो बना है अपना कितना मस्त दिख रहा है और भूख भी जोर से लगी है। तो फटाक से दोस्तों चावल और अपना मच्छी खाना चालू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो मच्छी बनके पूरा रेडी हो गया हमारा और चावल भी रेडी है, भूख भी लगी है जोर से, क्योंकि सुबह में खाना हमने बनाया नहीं था। तो अभी फटाक से दोस्तों खाना करते हैं और फिर भाई सोना है, क्योंकि भाई कल भी रात में सो नहीं पाए थे क्योंकि 12-1 बजे पहुंचे थे वैसे भी, और आज भी भाई पूरा दिन आप खुद वीडियो में देखे होंगे, अभी तक वीडियो मतलब आए हुए, तो एक बार खाने के देख भाई लाइक कर दीजिएगा, कैसा बना है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तो हम भाई खाने जा रहे हैं इसको, तो दोस्तों चलो खाना स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि भाई 9 बज गए हैं शाम का, और बता दें आपको कैसा टेस्ट लगता है दोस्तों।
भाइयों एक नंबर का टेस्ट है, आप घर पे जरूर बना के ट्राई करना और बताना वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल के लिए, बाय बाय।